प्रकार से खेल मंत्री उदय निधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है, सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता, चाहे खेल मंत्री उदय निधि के साथ अनेकों आ जाए तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। जितना भी है, चाहे वो अपनी माता पिता की सेवा करना, ये भी धर्म है, यह भी सभी लोग करते हैं, उससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। जो भी माता पिता की सेवा करता है वो भी सनातन धर्म के अनुसार है, जो अपने पुत्रों के परिवारों को पालन करता है वो भी उसी सनातन धर्म से है। तो वो सनातन धर्म का वस्तुतः अर्थ ही नहीं समझा, अर्थ न समझने के कारण से उसका उन्मूलन कर रहे हैं कि उसी सनातन को ही हम समाप्त कर दें, जो कभी होना नहीं है। सनातन सदियों से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा। इसलिए खेल मंत्री जो विनय निधि हैं, वो जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा संभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने की जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो सनातन के जो परंपरा चली आ रही है, जिससे सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, उसको समाप्त करने की जो बात कर रहा है वह कभी संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन के तमिलनाडु के एक टीम और तमिलनाडु के मंत्री उदय निधि स्टालिन ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म को, संक्रामक हिंदू सनातन धर्म को मलेरिया बताया है, वह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि हिंदू सनातन को हम खत्म करेंगे। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जिस हिंदू सनातन को मिटाने के लिए कितने आए और चले गए, उसको इंडिया गठबंधन के लोग अब मिटाना चाहते हैं। जिस हिंदू सनातन ने पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम कहा, पूरे विश्व को परिवार कहा, उसको ही मिटाना चाहते हैं। तो जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, इंडिया खुद एक अंग्रेजियत की पहचान है, इसलिए इस तरह के विचार इनके दिमाग में आ रहा है। निश्चित रूप से हिंदू समाज इनका बहिष्कार करे। यह लड़ाई इनकी मोदी जी से और बीजेपी से नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदू सनातन धर्म से है। यह लड़ाई सुर और असुरों की लड़ाई है। यह एक तरफ से कालनेमी और हनुमान जी की लड़ाई है। कालनेमी रूप बदल के आएंगे, लेकिन इनका उद्देश्य होगा हिंदू सनातन को समाप्त करना। इसलिए हिंदू सनातन धर्मी अपने घर पे हमेशा गौमूत्र रखे, क्योंकि गौ माता हमारे सनातन धर्म की प्राण है। सभी देवी देवता उसमें निवास करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कुपुत्र उदय निधि स्टालिन के द्वारा सनातन हिंदू धर्म के बारे में जिस तरह की आपत्तिजनक बातें की गई हैं, यह अति निंदनीय और घृणित है। अखिल भारतीय संत समिति का इतना ही कहना है कि करोड़ों वर्षों से मिटाने वाले मिटते चले गए, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सनातन हिंदू धर्म को जीवन जीने की पद्धति माना। तो असभ्य बर्बर लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। संत समिति का यह मानना है कि ऐसे असभ्य बर्बर लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। सत्ता और सरकारें अगर ऐसे लोगों को पोषित करेंगी तो समाज में अशांति ही फैलेगी।